तो 20,000 रुपये हर महीने सैलरी के साथ आपका जो 1 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल गोल है, आप उसको कितने समय में अचीव कर सकते हो, आज के इस वीडियो में हम कैलकुलेशन एग्जांपल्स के जरिए समझेंगे। तो अगर आपने एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया है किसी अच्छे कंपनी में, ज्यादातर चांसेस है कि आपकी जो मंथली सैलरी है 20,000 रुपए या फिर 22,000 रुपए या फिर 25,000 रुपए तक हो सकती है, और आपकी जो उम्र है 25 ईयर्स या फिर 30 ईयर्स के अंदर ही अंदर है, और आपके पास अच्छा खासा अगला जो 20 साल या फिर 25 साल है वो है जब तक आप 50 साल की उम्र तक पहुंचोगे। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा खासा टाइम है आपके लिए अगर आप समय देते हो इंडियन मार्केट्स में, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हो लगातार 20 साल या फिर 25 सालों तक, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकता है, और इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके आप अपने जो फाइनेंशियल गोल्स है उनको अचीव कर सकते हो। तो पूरा फाइनेंशियल प्लान हम देखने वाले हैं आपके लिए एक्सेल कैलकुलेटर की मदद से, और कैसे आपका जो 1 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल गोल है आप उसको अचीव कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, तो आप इस अमाउंट को बढ़ा भी सकते हो 1.5 करोड़ रुपए या फिर 2 करोड़ रुपए, लेकिन उसी के साथ साथ जो टाइम लगने वाला है उस अमाउंट तक पहुंचने के लिए वो एक्स्ट्रा टाइम भी आपको देना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको बताऊं कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन सा है आपके लिए, तो जो स्टेप अप SIP होता है, यानी कि हर साल के हिसाब से आपका जो SIP अमाउंट है जिसमें हम हर महीने के हिसाब से कुछ अमाउंट डिपॉजिट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो ये स्टेप अप SIP ऑप्शन आपको यूज करना पड़ेगा ताकि आप हर साल के हिसाब से आपका जो SIP अमाउंट है उसको इंक्रीज करो, ताकि आपका जो फाइनेंशियल गोल है 1 करोड़ रुपए का या फिर उससे ज्यादा का वो अचीव हो जाए। अब दोस्तों हम 1 करोड़ रुपए का एग्जांपल ही क्यों ले रहे हैं, तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि पिछले 15 या फिर 20 सालों में अगर आपने सेंसेक्स या फिर निफ्टी इंडेक्स फंड का जो रिटर्न है उसको देखा, तो लगभग आपको 12% तक का रिटर्न मिला है। समझो अगर आगे आने वाले 20 साल या फिर 25 सालों में 12% के जगह वर्स्ट केस सिनेरियो में समझो 10% का आपको एवरेज रिटर्न मिल रहा है लॉन्ग टर्म बेसिस पे, तो 1 करोड़ रुपए पे 10% का जो रिटर्न्स है वो हमें देगा 10 लाख रुपए का प्रॉफिट, और ये 10 लाख रुपए का एनुअल प्रॉफिट काफी रहेगा आपका जो ईयरली एक्सपेंसेस है उसको कवर करने के लिए, और इसी के वजह से हम ये 1 करोड़ रुपए का जो फाइनेंशियल गोल है उसको कंसिडर कर रहे हैं। दोस्तों टाइम के साथ जो है इन्फ्लेशन भी पिक्चर में आएगा, तो 1 करोड़ रुपए की जो वैल्यू है 20 साल या फिर 25 साल के बाद उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, तो अकॉर्डिंगली आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं आपको उनको अपडेट करना पड़ेगा। टाइम के साथ आपकी जो इनकम है वो भी तो बढ़ेगी ना, तो इसी के वजह से हम जो है स्टेप अप SIP ऑप्शन को यूज करने वाले हैं 1 करोड़ रुपए का जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसको अचीव करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने कैलकुलेशंस की तरफ। तो यहाँ पे अगर आपकी सैलरी पर मंथ जो है 20,000 रुपए की है, तो आपका जो फाइनेंशियल गोल है 1 करोड़ रुपए का, उसको अचीव करने के लिए कितना टाइम लग जाएगा उसको हम चेक करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो हर महीने के हिसाब से आप SIP अमाउंट जो है उसको निवेश करना शुरू कर सकते हो किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में, और इसके अलावा अगर आप उसको स्टेप अप करते हो यहाँ पे, तो जैसे कि आप देख सकते हो स्टेप अप SIP अमाउंट जो है वो भी हमने मेंशन किया है, तो उस केस में आपका जो टाइम है वो कितना लगेगा वो आप जान सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप 1,000 रुपए का SIP जो है शुरू कर सकते हो, जो कि आई थिंक मैनेजेबल होना चाहिए अगर आपकी 20,000 रुपए की मंथली सैलरी है, तो जो भी आपके मंथली एक्सपेंसेस है उसको आप माइनस करने के बाद एटलीस्ट 1,000 रुपीज का SIP अमाउंट जो है वो आपको शुरू करना पड़ेगा अगर आपका जो फाइनेंशियल गोल है 1 करोड़ रुपए का उसको आपको सीरियसली अचीव करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम SIP कैलकुलेटर को यूज करेंगे मेरी वेबसाइट पे। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकेल्सी ब्लॉग। तो फिनकेल्सी ब्लॉग सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा finkelsey-blog.in, जो कि मेरी वेबसाइट है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिया है, तो हम इस सेक्शन में आएंगे और फिर ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। तो यहाँ पे हम SIP कैलकुलेटर यूज करने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको स्टेप अप SIP कैलकुलेटर भी यूज करके दिखाऊंगा, जो कि आपको मदद करेगा आपका जो फाइनेंशियल गोल है उसको टाइम से पहले अचीव करने के लिए। तो सबसे पहले हम नॉर्मल SIP कैलकुलेटर को यूज करेंगे और देखेंगे कि हमें कितना समय लग सकता है हमारा जो 1 करोड़ रुपए का गोल है उसको अचीव करने के लिए। तो सबसे पहले एग्जांपल में हमने 1,000 रुपीज का SIP अमाउंट को कंसिडर किया। जैसे कि आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड SIP कैलकुलेटर ये वाला पेज ओपन हो जाएगा अगर आप SIP कैलकुलेटर पे क्लिक करते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप बहुत ही आसानी
से जान सकते हो कि आपका जो रिटर्न है वो कितना हो सकता है म्यूचुअल फंड SIP के द्वारा। तो यहाँ पे हम 1000 रुपीज का SIP अमाउंट मेंशन करते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है दोस्तों, समझो अगर आपको 12% का रिटर्न मिल रहा है आगे आने वाले 20 साल 25 सालों में, तो यहाँ पे हम 12% का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेंशन करेंगे। हो सकता है कि अगर इससे ज्यादा का रिटर्न आपको मिले तो टाइम से पहले आपका जो फाइनेंशियल गोल है आप उसको अचीव कर सकते हो। और अगर आपको 10% का रिटर्न मिलता है तो हो सकता है कि 1 या फिर 2 साल एक्स्ट्रा आपका जो SIP अमाउंट है आपको उसको कंटिन्यू करना पड़ सकता है। अब दोस्तों ये आपको 20 सालों में कितना रिटर्न्स देगा इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ईयर्स में 20 ईयर्स मेंशन करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 9,99,148 के अमाउंट पे आप पहुंच गए हो 1000 रुपीज का जो SIP अमाउंट है उसके साथ, और आपका टोटल डिपॉजिट्स इतना हुआ है, उसमें से टोटल प्रॉफिट इतना हुआ है। अब दोस्तों हमें 1 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल गोल तक पहुंचना है, तो समझो अगर हम इसको 30 ईयर्स कर देते हैं तो कहां तक पहुंचते हैं हम, 35 लाख तक पहुंचते हैं। अब चलो इसको 35 कर देते हैं तो ग्रेजुअली हम इसको इंक्रीज करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैच्योरिटी अमाउंट भी इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे लगभग 39 ईयर्स में आके 1.05 करोड़ रुपीस का जो मैच्योरिटी अमाउंट है आप उस तक पहुंच सकते हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये हमने कंटिन्यूअसली 1000 रुपीस का जो SIP अमाउंट है उसको कंटिन्यू रखा है इतने सालों के लिए, और हमारा टोटल डिपॉजिट जो है वो इतना हुआ है 4,68,000, लेकिन हमारा प्रॉफिट ही इतना ज्यादा हुआ है क्योंकि लंबे समय के लिए हमारा जो SIP अमाउंट है उसको हमने कंटिन्यू किया है। और दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स इज नॉट अबाउट टाइमिंग द मार्केट बट इट इज अबाउट गिविंग टाइम टू द मार्केट। तो मार्केट को टाइम देने की जरूरत है ताकि आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सके। तो दोस्तों ये 39 ईयर्स जो है हम इसको मेंशन कर देते हैं यहाँ पे कि आपको 39 ईयर्स लग सकते हैं 1000 रुपए का फिक्स्ड SIP अमाउंट है अगर आपने उसको कंटिन्यू रखा। लेकिन दोस्तों हर साल के हिसाब से आपकी जब सैलरी इंक्रीज होगी तो आपका जो SIP अमाउंट है उसको भी इंक्रीज होना चाहिए। तो हम स्टेप अप SIP के जरिए उस अमाउंट को इंक्रीज करेंगे हर साल के हिसाब से, तो वो वाला कैलकुलेशन भी हम देखने वाले हैं थोड़ी ही देर में। तो उससे पहले हम 2000 रुपीज का SIP अमाउंट को कंसिडर करते हैं। तो समझो 1000 के जगह आप एक्स्ट्रा और सेव कर पा रहे हो और 2000 रुपीज का SIP अमाउंट जो है वो आप निवेश कर पा रहे हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो 39 ईयर्स में तो आप 2.1 करोड़ रुपीज तक का जो गोल है उसको अचीव कर सकते हो, लेकिन अगर आपको 1 CR का सबसे पहले गोल अचीव करना है तो इससे कम समय लगेगा। तो समझो हम 35 पे आ जाते हैं तो भी 1.29 CR का जो अमाउंट है वो मिल जाता है। 33 ईयर्स पे लगभग आपको 1.01 करोड़ रुपीस का गोल जो है वो अचीव हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 6 साल कम हो गए आपके, आपने 2000 रुपीस का SIP जो अमाउंट है उससे शुरू किया, तो 33 ईयर्स में आपका 1 करोड़ रुपीस का गोल जो है वो अचीव हो जाएगा। 3000 SIP अमाउंट के साथ आपका कितने समय में गोल अचीव हो जाएगा उसको भी देख लेते हैं। तो इसको हम रिड्यूस करते हैं यहाँ से नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे कि आप देख सकते हो 30 ईयर्स पे 1.05 करोड़ रुपीस का गोल आपका अचीव हो सकता है, तो इस चीज को हम यहाँ पे 30 ईयर्स मेंशन कर देते हैं। इसी तरीके से ये जो बाकी के SIP अमाउंट है उसके लिए भी मैं ये जो टाइम है उसको कैलकुलेट कर लेता हूँ जल्दी से। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो बाकी के SIP अमाउंट है उनके लिए भी हमने यहाँ पे 10 ईयर जो है उसको मेंशन कर दिया है। 5000 के SIP अमाउंट पे लगभग आपको 25.5 साल लग जाएंगे 1 करोड़ रुपए का गोल जो है उसको अचीव करने के लिए। और अगर आप 10000 रुपए का SIP अमाउंट के साथ शुरू करते हो और कंटिन्यूसली उसको 20 साल तक रखते हो तो आप 1 करोड़ रुपीस का फाइनेंशियल गोल अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट फिगर ये है कि 10000 रुपीस के SIP अमाउंट के साथ कंसिस्टेंटली आपको 20 साल तक जो है निवेश करते रहना पड़ेगा, 12% के रेट ऑफ रिटर्न के साथ आप ये वाला जो गोल है उसको अचीव कर पाओगे। अब दोस्तों ये तो बात रही फिक्स्ड SIP अमाउंट की, लेकिन टाइम के साथ आपकी जो इनकम है वो भी इंक्रीज होगी। तो एवरी ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगा कि इस SIP अमाउंट के साथ आप थोड़ा सा और अमाउंट जो है उसको ऐड कीजिए ताकि आपका जो टाइम पीरियड है वो और कम हो सके। तो यहाँ पे अगर आप स्टेप अप SIP अमाउंट को यूज करते हो, समझो इस वाले केस में आप 1000 रुपीज का SIP अमाउंट के साथ शुरू करते हो और हर
हर साल के हिसाब से 100 रुपए बढ़ाते हो, यानी कि अगले साल 1100 रुपीज का आपका SIP अमाउंट होगा, दूसरे साल में 1200 रुपीज का SIP अमाउंट होगा, और हर साल के हिसाब से आपका जो 100 रुपए का अमाउंट है वो इंक्रीज होगा आपका जो बेस SIP अमाउंट है उसमें। तो दोस्तों यहाँ पे हम स्टेप अप SIP कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं, तो इसी कैलकुलेटर के पेज पे मैंने यहाँ पे स्टेप अप SIP कैलकुलेटर को मेंशन किया है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक न्यू विंडो में हमारा स्टेप अप SIP कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सिमिलर कैलकुलेशन कर सकते हैं, हमारा जो मंथली इन्वेस्टमेंट है वो हम 1000 रुपीज का मेंशन करेंगे सबसे पहले, जो SIP अमाउंट है, और एनुअल स्टेप अप सेक्शन में जैसे कि आप देख सकते हो या तो आप परसेंटेज मेंशन कर सकते हो या फिर अमाउंट को मेंशन कर सकते हो। तो हम यहाँ पे 10% के साथ हमारा जो SIP अमाउंट है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन सिंपली हम 100 रुपीज का अमाउंट मेंशन करेंगे यहाँ पे। तो जैसे ही हमने अमाउंट में मेंशन किया और 100 रुपीज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ध्यान रखिएगा कि जब आप परसेंट को मेंशन करोगे तो सेकेंड फाइनेंशियल ईयर में 1100 का 10% होगा 110 रुपए, तो उस केस में आप 100 रुपए नहीं 110 रुपए का जो आपका स्टेप अप ऑप्शन होगा वो होने वाला है, इसलिए हमने यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट को कंसिडर किया है। तो 100 रुपीज का हम अमाउंट जो है वो इंक्रीज करेंगे हर साल के हिसाब से, एक्सपेक्टेड रिटर्न हम 12% का कंसिडर करेंगे, और टाइम पीरियड कितने साल में हमारा जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो 1 CR हो जाएगा उसको हम चेक करते हैं। तो समझो यहाँ पे हम 39 ईयर्स मेंशन करेंगे तो कितना अमाउंट आ जाएगा, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 1.84 करोड़ रुपीज का आपका जो अमाउंट है वो आप अचीव कर सकते हो, जो कि ज्यादा है कंपेयर टू जो हमारा 1 CR का गोल है। तो दोस्तों हमें ये टाइम पीरियड रिड्यूस करना पड़ेगा, तो जैसे ही हम इसको कम करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो लगभग 34 ईयर्स में ही आपका 1 CR रुपीज का जो गोल है वो अचीव हो जाता है। तो यहाँ पे 34.5 का जो टेन्योर है वो लगभग होने वाला है, तो इस चीज को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो 34.5 ईयर्स आपको लग जाएंगे 1 CR गोल अचीव करने के लिए स्टेप अप SIP ऑप्शन के साथ। इसके अलावा 2000 रुपीज का अगर मंथली डिपॉजिट से आपने स्टार्ट किया और 10% से इंक्रीज किया, यानी कि सिर्फ 200 रुपीज आप इंक्रीज कर रहे हो हर साल के हिसाब से, तो हम यहाँ पे 200 रुपीज को मेंशन करेंगे, और फिर वापस से हम जो टाइम पीरियड है उसको कम करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो लगभग 1.05 करोड़ रुपीज का आपका गोल अचीव हो जाएगा 29 ईयर्स के साथ। तो यहाँ पे 29 ईयर्स हम मेंशन करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ओरिजिनली आपको इतना समय लग रहा था, लेकिन अब आपको कम समय लगेगा कंपेयर टू आपका जो फिक्स्ड SIP अमाउंट का डिपॉजिट है। तो दोस्तों इसी के वजह से आपको स्टेप अप करना चाहिए। तो चलिए ये जो बाकी के नंबर्स है उनके लिए भी मैं इस डेटा को फील कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये बाकी के जो स्टेप अप ऑप्शंस हैं उनके साथ आपका जो टाइम है वो और कम हो सकता है। तो 5000 के SIP अमाउंट के साथ जहाँ पे आपको 25.5 साल लगने वाले हैं, यहाँ पे अगर आप 500 रुपीज से इंक्रीज करोगे SIP अमाउंट हर साल के हिसाब से, तो आपका जो गोल है वो 22वें साल में ही कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा 10000 के साथ अगर आप 1000 रुपीज का स्टेप अप करते हो तो आप 3 साल यहाँ पे बचा रहे हो, 20 ईयर्स यहाँ पे फिक्स्ड SIP अमाउंट के साथ आपको लगेंगे, लेकिन यहाँ पे स्टेप अप के साथ आपको 17 ईयर्स का जो टेन्योर है वो लगने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे ये वाला बेस्ट केस सिनेरियो है कि अगर आप 10000 रुपीज के SIP अमाउंट के साथ शुरू करते हो और हर साल 1000 रुपीज इंक्रीज करते हो, तो आपका जो टाइम है वो सबसे कम लगने वाला है यहाँ पे। लेकिन दोस्तों जरूरी नहीं कि आपको 10000 रुपीज का SIP अमाउंट के साथ ही शुरू करना है। हम समझ सकते हैं कि आपके और भी कई सारे मंथली एक्सपेंसेस होते हैं जो कि आपको कवर करने की जरूरत होगी, तो आप सिंपली 1000 रुपए या फिर 2000 रुपए के SIP अमाउंट से भी शुरू कर सकते हो, और कोशिश कीजिए कि आप हर साल के हिसाब से 500 रुपए या फिर 1000 रुपए से आपका जो SIP अमाउंट है उसको इंक्रीज करो। जैसे ही आपका जो सैलरी है हर महीने के हिसाब से वो इंक्रीज होता है, आपका जो ईयरली इंक्रीमेंट होता है उसके साथ। अब दोस्तों यहाँ पे तो हमने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से कैलकुलेशन कैसा होता है, अब अगर आपको जानना है कि एक्चुअल में कितना रिटर्न मिला है पिछले 25 सालों में सेंसेक्स इंडेक्स फंड में, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी चेक कीजिएगा ताकि आपको आइडिया मिल सके कि मार्केट कैसा रिटर्न्स देता है और किस तरीके से हमको कंटिन्यूअसली SIP अमाउंट जो है उसको कंटिन्यू रखने की जरूरत है। भले ही अगर मार्केट डाउन जा रहा है तभी भी हमें जो SIP अमाउंट या फिर स्टेप अप SIP अमाउंट जो हम करते हैं उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, ताकि लंबे समय के लिए आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सके आपके जो फाइनेंशियल गोल्स है उनको अचीव करने के लिए। तो इस तरीके से अगर आपकी मंथली इनकम 20000 रुपए है एज सैलरी, तो आप 1 करोड़ रुपए का जो फाइनेंशियल गोल
है उसको अचीव कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप कितने अमाउंट से आपका जो SIP है उसको स्टार्ट करते हो और कितने परसेंटेज से या फिर कितने अमाउंट से उसको इंक्रीज कर सकते हो हर साल के हिसाब से। आपने कितने अमाउंट का SIP शुरू किया है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि फ्रेशर्स हैं और जानना चाहते हैं कि वो अपनी सैलरी कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं उनके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल FinKelsey TV को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।